शहर में इन दिनों चोरी की घटनाओं में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। शहर में दो अलग अलग जगहों में गाड़ी के अंदर से लाखों की लूट के मामले सामने आए हैं, जिसको लेकर के आमजन सकते में है। एक मामला शहर कोतवाली के अंतर्गत रामलीला मैदान से सामने आया है, जहां लखनऊ के व्यवसायी रावेंद्र प्रताप सिंह रामलीला रोड पर अपने मित्र और भाजपा के पूर्व विधायक के भाई डॉक्टर मनोज शिवहरे से मिलने आए थे। वह इलेक्ट्रॉनिक की दुकान के सामने कार खड़ी कर डॉक्टर मनोज से बातचीत करने लगे। इस बीच चोर कार का शीशा तोड़कर अंदर रखी अटैची उड़ा ले गए, जिसमें 4.5 लाख रुपए सहित चेकबुक और कागजात थे। कुछ देर बाद पुलिस ने GIC ग्राउंड से अटैची बरामद की, उसमें रुपए नहीं थे। वहीं दूसरा मामला भी अतर्रा तहसील कस्बे से सामने आया है, जहां पर गैस एजेंसी संचालक अपनी निजी कार्य के लिए कस्बे में आया था। उसी दौरान गाड़ी का लॉक खोलकर चोर गाड़ी में रखी 1 लाख की नकदी लेकर फरार हो गए। इस तरह से बढ़ रही चोरी की घटनाओं से स्थानीय लोग और शहरी लोग काफी दहशत में हैं। इन चोरियों के बारे में अपर पुलिस अधीक्षक LB के पोल का कहना है कि कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। CCTV फुटेज से भी चोरों का पता लगाया जा रहा है। पुलिस चोर की तलाश में जुटी है, जल्द ही चोरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शाम को 4 बजे लगभग मेरे मित्र रामेंद्र प्रताप सिंह लखनऊ से माना आए थे। कल शाम को लोग साथ में आए थे, आज भी मेरे पास वापस मिले हैं। तो यहाँ पर सामने मेरे राजा इलेक्ट्रॉनिक के सामने गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी खड़ी करके हम लोग अंदर सामने ही बैठे हुए और कोई अज्ञात लोग पता नहीं, गाड़ी का शीशा तोड़ के ब्रीफ केस निकाल के। और कौन सी गाड़ी थी और कितना पैसा था? इनोवा गाड़ी थी, लगभग 4.5 लाख रुपये की कैश था। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनियाँ हैं, तो पूरी चेकबुक और सारे कागजात कागजात किसी ने देखा नहीं था। खास तोड़ते हुए हम लोगों ने जब जाने की तैयारी हुई, तब हम लोगों ने देखा कि कहाँ टूटा हुआ है। ड्राइवर कहाँ था गाड़ी का? गाड़ी का ड्राइवर भी सामने बैठा हुआ है। क्या CCTV फुटेज में कुछ दिखाई दिया आपको? देखा आपने? CCTV हम लोग देख रहे हैं, एक लड़का और एक भैया आता हुआ दिखाई दिया है। शीशा तोड़ करके इसमें से कुछ रुपए निकाल लिया लोगों ने, और हमारे मौके पर हमारे CO City और बाकी पुलिसकर्मी शहर कोतवाल सारे लोग लगे हुए हैं। और इस घटना में अभी तहरीर नहीं प्राप्त हुई है, और जैसे ही प्राप्त होती हम लोग कार्यवाही करेंगे इसमें, और बाकी कार्यवाही अभी चल रही है, और हमें उम्मीद है कि हम लोग शीघ्र ही इसको वर्कआउट करेंगे।